43 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए, क्या बना है INA आजाद इन फौज, मतलब पहला काम था सुभाष चंद्र बोस का जापान को भेज दिया भारत में, जापान में 4 साल था। सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे 4 दिन के लिए मुख्य अतिथि बनकर, उन्होंने क्या किया अंडमान आकर इंडिया का झंडा फहराया, तो हम लोग 43 में आजाद हो गए इंडिया से पहले। जापान का किस्मत खराब है, नागासाकी बम गिर गया, 45 में जापान भाग गया, ब्रिटिश फिर आ गए सेकंड टाइम लॉर्ड रेवल वॉइस ऑफ इंडिया। लॉर्ड रेवल ने क्या बोला, हम तो इंग्लैंड जा रहे हैं आप तो इंडिया जाओ, हमको छोड़ दिया। उस समय क्या हुआ, आधा आदमी तो इंडिया चले गया, आधा यहीं रह गया, तो हम लोग वापस गए, और गवर्नमेंट को टेंशन हो गया आदमी नहीं कब्जा कैसे करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, तो रिफ्यूजी लोग बंगाल पंजाब सबको लेके आए, तो बसाया अंडमान का भी चला, पहले कोई आता ही था, पहले बोलता अंडमान को नंगेलों का देश। तो अंग्रेजों ने बहुत लोगों को मार दिया, क्यों मारा, जापान ने बहुत लोग क्यों मारा, जापान के दिल में है जो जिसने ब्रिटिश काम किया है जासूस है, ब्रिटिश का आदमी स्टाफ है, डाउट हुआ तो फिर जेल में बंद किया, गोली मार दी, जापान में अत्याचार आ गया। जापान ने बोला कोई मरेगा नहीं, हम बचाएंगे, कैसे बचाएंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बंकर बनाएंगे। जापान ने क्या किया, सिटी में 300 बंकर बनाए, लोग कम मरे थे, कभी बम गिरा था, अब जगह बम गिरा कैजुअल्टी कम हुआ था। तो हम लोग जाएंगे ऊपर में, अभी नीचे देखेंगे मॉडल, आपने फिल्म रंग दे देखी, रंग दे पसंद है, हीरो आमिर खान है, एक्चुअली में हीरो सचिना सान्याल जी है, ट्रेन को हाईजेक किया था, कान सुना होगा काकोरी बम बना रहा, तो बहुत सारे लोग आए लास्कर जाते हैं, पंडिता मलखा है, मोहित मित्रा है, बाबा भान सिंह महावीर, बहुत को यहाँ पर आए, हम जानते हैं सारी कहानी गांधी के पहले की। हम लोग जाएंगे अभी नीचे जाएंगे, आई हाँ सुनिए, किसी ने पूछा था आप कमरे के अंदर गए थे ना, तो गड्ढे है कमरे में, तो गड्ढा क्यों है, एक गड्ढा में खाने का प्लेट आएगा, दूसरा गड्ढा में बाथरूम का पॉट आएगा, नीचे वालों को बाथरूम एक बार जाना है, ऊपर 3 बजे जा सकते हैं, जब बाथरूम हो जाएगा रात को सुबह पॉट को यहाँ से बाहर करें, तो होल से सिस्टम आई चलो यहाँ से आ जाइए अंदर, मैं एक गाइड है तो वो गाइड कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, उतना तो नॉलेज नहीं है, चलो अच्छा हुआ गाइड मिल गया, वो बता रहा है देखे ध्यान से, अगर हम लोग कहाँ पाए, हम लोग टावर में यहाँ से रिव्यू मिले आपको, यहाँ से एंट्री हमारा हुआ फैक्ट्री, अरे फैक्ट्री यहाँ पर है, बाथरूम फैक्ट्री बाथरूम, रात को 5:30 अंधेरा हो जाएगा, बड़ी रॉक के रहेंगे, बच्चे पता है जी आदमी पहला कमरा वार्डन का है डबल गेट, पता है कि आदमी इंडिया का स्टाफ है फिर भी इंडिया नहीं, उसकी बात तो करेंगे लोग, रात को अंग्रेज क्या करेंगे, बीच का फोल्डिंग ब्रिज है हटा देंगे, रात को लॉक हो जाएगा तो छोटा बड़ा क्यों, लेकिन आपको समुद्र पीछे स्टैंड है, 7 में से 3 बड़ा बचा है, और सब 3 बचा हुआ है 176 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप फेल करेगा, पर डे हमको चाहिए 30 पाउंड 15 किलो, अगर स्पीड कम हो गया तो मारेंगे कमर बैंड हो जाएगा, पेन होगा, यानी पेन में क्या करेगा, चादर यानी काम बोलते हैं पेन पड़ेगा, वापसी की रस्सी है यहाँ बनेगी, डंडे से मारेंगे पूरा फाइबर निकल जाएगा, फाइबर निकल जाएगा ज्यादा पानी में, ये बनेगा रस्सी, मशीन ओरिजिनल है, वापसी का रस्सी ये भी अपने हाथ से बनाएगा, रस्सी रस्सी बनेगा, वापसी में रस्सी वन टाइम करते भी कैदी अपने हाथ से बनेगा, मशीन ओरिजिनल है। अब सोचिए जब जेल नहीं था, जब काला पानी था, उस समय गले में आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता था,
कैसे नंबर डालेंगे वो करेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है 2 ग्राम करके यहाँ मार। अरे कोई स्पेशल है, स्पेशल का लिखा आपको तो वेट लगा है नीचे में, स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या करना है अंडे दबा के ऐसा घुमाना है, हमने छोड़ दिया तो स्प्रिंग है यहाँ के लगेगा। तो चौथा टेक्निक से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आया, पंजाब बंगाल गुजरात की हाइट थी। फिर से क्या किया, जेल के अंदर में गेट छोटा बनाया, गेट को छोटा बनाया, पहले को छोड़ते गए बार बार ब्रिटिश को वो करना, ये भालो कह दिए स्टाफ बन गया, अच्छा स्टाफ बन गया। एक्चुअल में ये आदमी डाकू है, अंडमान में डाकू लोग भी आए, चोर भी आए, उस जमाने में डाकू आदमी अच्छा हम लोग के लिए। डाकू क्यों अच्छा है, डाकू क्या करेगा ब्रिटिश को लूटेगा, रुमाल है उसे लड़ने क्रांतिकारी, डाकू भी क्रांतिकारी है, उसको मारने के लिए बोलेंगे पर पीछे मारते थे, अस्पताल है, इलाज करे काम नहीं करेगा, मारेंगे जैसे काम करने जाना। और एक पनिशमेंट है, क्या बोलते चावल का बस्ता बना देंगे बॉडी में, तो क्या होगा चावल का बंगला छुलका नहीं खुजली होगा, जंगल मिलता है बिछोटी पत्ता खुजली पत्ती, खुजली पत्ती को बॉडी में लगा देंगे, पत्ता बनाएंगे तो हाथ बांध देंगे, क्या होगा खुजली हो रहा है आदमी डांस कर रहा है पुलिस मजा ले रहे हैं। लड़का आया था तो बच्चा था, उम्र 16 साल था, नाम था धोनी कुमार दास, वो आया था आपको अलीपुर केस में। दास साहब बोला जेलर डेड बरी हमको मार दो, हम ड्रेस को नहीं पहनेगा, वो क्या किया ड्रेस को लेके फाड़ दिया, सेकेंड डे फिर फाड़ दिया, थर्ड डे जब ड्रेस को फाड़ने लगा पुलिस गुस्सा आ गया, फिर से गुस्से में क्या किया फ्री होता है मतलब ट्राई करने का बॉडी के साथ में किच कर दो, देखिए पनिशमेंट ड्रेस को लिखा हुआ, तो देखिए पनिशमेंट ड्रेस यही होता है लिखा हुआ है, यहाँ पर पनिशमेंट ड्रेस है देखिए लिखा हुआ है चावल का बस्ता है, तो पनिशमेंट ड्रेस है। अंडमान में 2 सीजन होता है, यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती गर्मी बरसात, गर्मी में खुजली होगा पहनी सोच, आपको पता है अंडमान का हीरो है, हीरो का नाम है शेर अली खान, शेर अली खान वो अच्छा आदमी था, 1872 में आया था, उस समय एक लड़का है मदर का, लड़का में लिखा था बेटा इंडिया मत आना, तुमको बड़ा आदमी को मानना है खुद मर जाना। अब बड़ा आदमी कौन आएगा, गलती से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उसमें कौन था लॉर्ड नो बादशाहपुर ने घूमने आया, खान को मौका मिल गया, खान साहब ने क्या किया चाकू से लॉर्डों को मार दिया, फांसी हो गया लखनऊ में अस्पताल है जिसने मारा कोई जानता नहीं, जेल में जैसे स्वागत करेंगे नए आदमी से रॉड में रॉड डाल देंगे, देखिए वेलकम चैन पहला हो और देख रहे 6 महीना काम नहीं कराएंगे, देखेंगे आदमी व्यवहार कैसा है, व्यवहार अच्छा हो गया रॉड को हटा देंगे, लास्ट है हमें छोड़ देंगे, इंडिया मत जाओ यही मरो यही काम करो, उसके उसको बोलते हैं लोग अत्याचार करती बोलते हैं। पर पर्सन 30 रुपया है, अगर आप लोग भी आते हो यहाँ में तो सेलुलर जेल के लिए अंदर जाने के लिए 30 रुपया पर पर्सन टिकट है, और लाइट साउंड वो सब देखते हो तो उसका 300 है। जी देखो हम लोग यहाँ से एंटर किए हैं, बाकी अभी मैं हूँ म्यूजियम में, और उस टाइम में जो कैदी लोग रहते थे तो उस टाइम का कपड़ा सब है, देखो ये सब रखे हुए हैं, हेलमेट यूज बाय जापानी सोल्जर, जो सोल्जर लोग थे वो ये पहनते थे, जेल में प्रयोग में लाए गए ताले और चाबी, तो यही वो ताला है और ये चाबी, ये देखिए। मैं अभी फिलहाल बाहर निकलता हूँ, मेरे पास थोड़ा म्यूजियम में ना ज्यादा ही भीड़ है, अगर लाइट साउंड देखना रहेगा ना आप लोग को यहाँ में बैठ के लाइट साउंड दिखाते हैं सुना, और इस साइड में है हाँसी घर, तो ये रहा ये देखो हाँसी घर,
तो चलो देखते हैं यहाँ से। बाकी ये देखो अंदर में वहाँ में खींचने वाला है। बाकी जो रस्सी जो है ना ये अभी न्यू लगा है, बहुत मतलब नया वाला है। बाकी जो ये सब पट्टा उट्टा जो है ना ये सब पहले का। तो गाइस फांसी दे उस टाइम में मतलब यहाँ में जो कैदी लोग रहते थे पता नहीं कैसे। अभी हम लोग को जाना है ऊपर, ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे, वहाँ से रोज आइलैंड दिखता है। यहाँ में जो मेडिकल बना है, जो यहाँ का सात भाग था तो सातों में से चार टूट गया, तो चार टूटा तो उसका वजह मेडिकल बना हुआ है। तो वही देखने जा रहे हैं अभी ऊपर में। तो गाइस ऊपर आने के बाद ये देखो मौसम भी थोड़ा खराब हो रखा है। सेलुलर जेल का जो है ना अभी तीन हिस्सा है, एक दो और बाकी ये तीन, बाकी जो चार हिस्सा था वो टूट गया है फिलहाल। अभी उसमें उसका जगह में ना मेडिकल बना हुआ है, ये है जीबी पंत मेडिकल यहाँ का। तो मौसम देखो गाइस, बाकी वो साइड में ना पूरा धूप है, बाकी ये साइड में बारिश आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। और वो रहा रोज आइलैंड में दिखा, वो है रोज आइलैंड। मैं सोच रहा हूँ उस आइलैंड में भी कोई दिन जाऊँगा। और बाकी ये देखो ये है नॉर्थ वे, 20 रुपये का नोट निकालो और उसमें जो एक कोई लोगो रहेगा एक लाइट हाउस का, वो वहाँ में देखो ना ऊपर आया तो ऊपर भी जाके देख लेते हैं थोड़ा। ऊपर से मस्त व्यू आ रहा है यहाँ में, वो देखो वो है रोज आइलैंड और ये है नॉर्थ वे। तो मैं सोच रहा हूँ नॉर्थ वे भी जाऊँ कोई दिन और रोज आइलैंड भी, तो इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ज्यादा समुद्र ही समुद्र है यार। चलो ऊपर का व्यू देख लिए, ऊपर से देखो गाइस पूरा कितना शानदार व्यू दिख रहा है। हम लोग वहीं से आए हैं, वहाँ में मेन गेट है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं गाइड के पास। तो गाइस ये देखो ये जो जेल है ना इसका गेट जो है सब गेट से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें ना लॉक डायरेक्ट यहाँ में है। बाकी मैं दिखाता हूँ बाकी गेट का जो लॉक है ना यहाँ में, ये देखो ये रहा दरवाज़ा और यहाँ का लॉक ले रहा है, देखो यहाँ में है। तो इंसान अगर उस वहाँ में रहता है और यहाँ से लॉक करते तो सोचो मतलब डोर से यहाँ में लॉक है, वहाँ से हाथ आएगा नहीं और खुल भी नहीं सकता, इसलिए कोई कैदी यहाँ से उतना भाग भी नहीं सकता था। और बाकी ये जो जेल है ना ये पूरा समुंदर का बीच में है, तो अगर यहाँ से जैसे भी करके अगर भाग भी जाता है ना समुंदर से कैसे भागेगा। तो चलो गाइड आता है वो कुछ कुछ बताएगा, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को उतना पता नहीं था यहाँ के बारे में। मैंने बहुत बार देखा था सुना था वीडियो वीडियो में और बहुत बार इस जेल में आया भी था, पर मतलब कोई गाइड का वहाँ में उतना कुछ सुना नहीं था। तो चलो आज सुनने के लिए मिला। तो आप लोग भी अगर कभी फोर व्हीलर आते हो ना तो गाइज यहाँ का जेल जरूर एक बार। और एक चीज गाइज यहाँ में ना जितना भी पब्लिक दिखाई दे रहा है ना सब टूरिस्ट लोग हैं, कोई यहाँ का नहीं है, सब टूरिस्ट लोग हैं और सब घूमने आए हैं यहाँ में। अभी टूरिस्ट का सीजन चल रहा है। तो गाइस मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, वो जो सेल है ना वो वीर सावरकर को रखे थे वहाँ में, तो वहाँ में उसका बर्थडे उसका फोटो है, तो बस वही है। तो सोचा चलो वहाँ से निकल जाते क्योंकि अभी टाइम हो जा रहा है, अभी मेरे को यहाँ से निकलना है और यहाँ का टाइम जो है 5 बजे 4:30 बजे तक लास्ट टाइम है, तो 4:30 होने वाला है थोड़ा देर में। तो देखता हूँ मैं और कुछ दिखा पाता हूँ जैसे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी पूरा नीचे में। यहाँ मैं नाइट टाइम में ना यहाँ से लाइट साउंड होता है, तो उसके लिए ना पर पर्सन 300 रुपये लेते हैं, वो 5 बजे के बाद होता है, रात को होता है। तो आप लोग भी अगर कभी आते हो तो सुनना चाहो तो सुन सकते हो। और बाकी देखो जेल, हम लोग टॉप ऊपर गए थे इसका ऊपर, और मैं यहाँ भी गया था
और चलो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये था सेलुलर जेल और इसकी कुछ कहानी, इसका स्टोरी पहले का। तो अच्छा हुआ आज गाइड मिल गया। तो यार शायद मैं उतना मैं बता नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था और आप लोग को उतना समझ में भी नहीं आता था कि चलो थैंक यू उस गाइड के लिए कि यार उसने चलो गाइड किया, बताया हमने को कुछ अपना यहाँ के बारे में। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, अंडमान का बहुत सारा वीडियो आने वाला है अभी। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।